सो हेलो मैं बच्चा पार्टी। आज आप डील करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाल। बेसिकली अज मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फटाफट किमें सॉल्व कर सकते हैं मैं तुम्हें वह दसूँगी। तुम कहो मैम ये तो सानू सॉल्व करना आंदा है, फिर की जरूरत है? देखो राजे, मैथमैटिक्स जिहड़ा हैगा पोर्शन उहदे सब तो ज़्यादा जिहड़ा पोर्शन है तुहानू ट्रिग्नोमैट्री दा आंदा है ना। एंड यू पीपल नो दैट ट्रिग्नोमैट्री इज़ कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंदी है। सो तुहाडे लई इह बेनीफिशियल हो जाता कि तुसीं अपना टाइम सेव करना है। सो हुण मैं तुहानू वो तरीके दसूंगी जिहदे नाल तुहाडा सेव इत्थों टाइम होएगा और तुसीं जिहड़ा हैगा वो टाइम है वो अपने दूसरे क्वेश्चन नू दे सकते हो। ठीक है, हुण अगर आपां क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गल करिए तो तुहानू साफ साफ पता है कि जिहड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उहदा बेसिकली जिहड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म हुंदी है दैट इज़ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली ए की है एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है, ठीक है, बी की है इस एक्स का कोफिशियंट है, तो सी अपने को हुंदा कॉन्सटेंट हुंदा है। ठीक है जी, हुण देखो राजे तुहानू पता है कि इदां दे क्वेश्चन तुहाडे प्रीवियस ईयर दे विच आए ने, बिकॉज मैनू पता है प्रीवियस ईयर तां तुसीं रट रखे ने पूरे, है ना। सो आ वाला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हुण अगर तुसीं इहनू सॉल्व करन बैठोगे तो तुसीं पूरा इस तरीके नाल सॉल्व करोगे। पहला इहनू इस तरीके नाल आपां इहनू डिवाइड गुणनखंड पता करांगे, फिर आपां उहनू है ना कॉमन कढांगे, फिर उहनू इस तरीके नाल सॉल्व करांगे। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस है ना, वाला घट्टो घट तुहानू तीन तो चार मिनट इहनू सॉल्व करन ते लग ही जाणगे। ठीक है, अगर इन्ने ही लगनगे तो मान लो कई बार गुणनखंड ही नहीं बनते होंगे तो फिर मतलब तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कई बार गलत बन गए या कुछ कॉमन इधर उधर हो गया तो भी काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाएगियाँ। सो फाइनली हुण आपां शुरू करते हैं कि ए वाले क्वेश्चन तुसीं शॉर्ट ट्रिक दे नाल किवें सॉल्व करोगे। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा शॉर्ट ट्रिक वर्गी कोई चीज़ होंगी नहीं है, बट बेसिकली है ना कॉन्सैप्ट दे विचों ही चीज़ां कढ़ियां गई होंदियां ने। सो देखो अपने कोल की है, एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आपने की करने ने ये गुणनखंड आप सिफर पता करनी ने, है ना, आपां इहदे जीरोज पता करनी ने। सब तो पहला तुसीं की करना है, मैं पेन चेंज करना, सब तो पहला तुसीं की करना है, जिहड़ा आ तुहानूं सिक्स दिख रहा है मतलब जिहड़ा तुहानूं कॉन्सटेंट दिख रहा है, तो एक्स स्केयर के नाल जिहड़ा तुहानूं वन दिख रहा है, तुहानूं पता ना वन हमेशा हुंदा ही हुंदा है, ये चाहे दिखे चाहे ना दिखे आपां हमेशा वन हरेक नाल मल्टीप्लाई हुंदा है। सो तुसीं की करना, जिहड़ा ये कॉन्सटेंट है तो जिहड़ा ये एक्स स्केयर का कोफिशियंट है इन्हों मल्टीप्लाई करो आपोस्ट, तो सिक्स वन का कितना आ गया, सिक्स आ गया, सिक्स, वेरी गुड। हुण की करना है, सिक्स के इदा के फैक्टर देखो जिन्हों ऐड करन ते सानू की मिले, फाइव मिले। आ कॉन्सटेंट के नाल जिहड़ी निशानी हुंदी है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये बेसिस से ही सारा कुछ डिसाइड होएगा। सो ये सानू की मतलब साइन की दे रही है कि जिहड़ा ही तुहाडे कोल मल्टीप्लाई करके नंबर आया है, ये कोई दो इदा के फैक्टर पता करो जिन्हों जोड़ के तुहाडे कोल की बन जाए, फाइव बन जाए। तो वो फैक्टर अपने कोले केड़े हुंदे ने, टू और थ्री, क्योंकि टू थ्री का सिक्स बन जाएगा और इन दोनों नूं जोड़ के अपने कोले आ वाला नंबर आ जाएगा फाइव। ठीक है जी, हुण देखो राजे तुसीं की करना है, हुण इत्थे दो तीन क स्टैप हुंदे ने। सब तो पहला स्टैप की है, तुसी ने जिहड़े आहा तुहाडे कोल रूट निकल के आए ना, तुसी इन्हां दे साइन चेंज कर देने ने, माइनस टू एंड माइनस थ्री, एंड वाओ दैट इज़ योर आंसर। माइनस टू एंड माइनस थ्री तुहाडे की आ गए, आंसर आ गए। हुण तुसी आप देख लो कि तुसी इस तरीके नाल आना है कि तुसी इस तरीके नाल आंसर ते आना है। तुसी कुछ नहीं किया, बस जिहड़ी तुहाडा कॉन्सटेंट वैल्यू है उहनूं तुसी एक्स स्क्वेयर दा जिहड़ा वी तुहाडा फैक्टर है उहनूं मल्टीप्लाई किया उहदे नाल, क्योंकि यह वन सीगा। ठीक है, तां करके तुसी डायरेक्ट आवली चीज़ करती। मैं अगे एक होर केस करवाऊँ जो एक्स स्केयर नाल कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, उस केस आपां की करना मैं तुहानूं वो भी दसूंगी। सो तुहाडा आंसर की आ गया, माइनस टू एंड माइनस थ्री आंसर आ गया। बस आ गल याद रख लियो कि साइन जरूर चेंज करने ने और तुहाडी सीधा आंसर निकल के आ जाएगा इन्ना लंबा प्रोसैस करन दी बजाय। हुण राजे सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सैकेंड क्वेश्चन मैंने की लिखा हुआ है, थ्री वाई स्केयर प्लस सैवन वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इतने आप वाई के रूट पता करने ने, सब तो पहला सेम प्रोसैस करना है, जिहड़ा कॉन्सटेंट वैल्यू है उन्हों तुसी वाई स्केयर दे जिहड़ा तुहाडा उहदा कोफिशियंट है उहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे, किन्ना आ जाएगा, थ्री टू द सिक्स आ गया, सिक्स, वेरी गुड। कॉन्सोनेंट के नाल कीड़ी टर्म है, प्लस की टर्म है, तो सिक्स के इदा के फैक्टर्स पता करो जिन्हों ऐड करके तुहानू की मिले, सैवन मिले। हुण देखो किहड़े फैक्टर ने, हुण देखो तुसी अगर टू थ्री का सिक्स किया तो मल्टीप्लाई तो सिक्स है, लेकिन की तुहानू प्लस करके सैवन मिल रहा, नहीं, दैट मीनस ए नहीं आपां लै सकदे, तो आपां की लवेंगे, सिक्स वन द सिक्स लवेंगे, क्योंकि इन्हां दोनों ऐड करके सानू की मिलता है, सैवन मिलता है। पहला स्टैप हो गया सिक्स एंड वन। दूसरा स्टैप मैं की दसिया कि भाई जिहड़े आहे कोल दो वैल्यूज़ आ गई, तुसीं इन्हां दे साइन चेंज कर देने ने, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो तुसीं इहदा साइन चेंज करके की आ जाएगा, माइनस सिक्स एंड माइनस वन आ जाएगा। लेकिन इत्थे एक स्टैप होर ऐड हो जाता, की ऐड हो जाता, क्योंकि इत्थे वाई स्केयर दे नाल वन नहीं है, इत्थे थ्री है, तो इतने की हो जाएगा, जिहड़े तुहाडे गुण आह लास्ट के जिहड़े तुहाडे दो रूट्स आए ने इहनू ए वाले नंबर नाल डिवाइड करना है, जाने कि एक तुहाडा बन जाएगा माइनस सिक्स बाय थ्री, तो दूसरा की बन जाएगा माइनस वन बाय थ्री।
जिन्हों को औखा लग रहा एक बार सोच के देख लो कि भाई ये कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्योंकि यही चीज़ा तो पहली बार देखोगे तो औखी लगेगी। ठीक है, पहली बार इवन जो तुम आह वाला स्टैप देखा से तो ये भी औखी लगी सी, लेकिन प्रैक्टिस के नाल तुम ये आदि हो गए। हूँ तो अज यह औखा लग रहा शायद थोड़ा जहा सुन अजीब लगी, लेकिन जिमें जिमें तुम प्रैक्टिस करोगे उमें भी थोड़ा सही हो जाएगा। सो हूँ बस डिवाइड ही करना है तीन एकम तीन तीन दुनी छे, मतलब थोड़ा एक रूट की आ गया माइनस टू, दूसरा की आ गया माइनस वन बाय थ्री। ठीक है, आह देखो इधर इतने वन से जे तुम इन्हों वन नाल डिवाइड करोगे तो आंसर तो सेम ही आ जाएगा, तो करके इतने मैं तुम्हें दसिया नहीं है कि डिवाइड करना होंगे। ठीक है, सो क्लीयर है जी। हूँ आ वाला क्वेश्चन देखो, जोड़ा आ वाला क्वेश्चन है तुहाडे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तुहाडे प्रीवियस ईयर मैरिटोरियस का जोड़ा तुहाडा एंट्रेंस एग्जाम होया सी ना उहदे च वाला क्वेश्चन आया सी। हूँ देखो सेम चीज़ करनी है, आ साडा कॉन्सटेंट है टू और एक्स स्केयर दे नाल की मल्टीप्लाई हो रहा है सिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम देख लो इन्हों मल्टीप्लाई की करे करके आएगा छे दुनी कि होंगे बारह, सो सिक्स टू का कि आ गया ट्वेल्व आ गया। बिल्कुल, हुण ट्वेल्व दे इदां दे फैक्टर पता करने ने जिन्हां नूं माइनस करके साडे कोले की आवे माइनस दा वन आवे। ठीक है जी, ये चीज़ां तुहानूं पता ने, एक बार रजे ध्यान नाल सुन के चीज़ां समझण दी कोशिश करियो। जिहड़ा भी कॉन्सटेंट नाल जिहड़ी जिहड़ा साइन हुंदा है उदां दे फैक्टर पता करने ने। हुण तुसीं आप देखो कि बारह दे किहड़े फैक्टर होणगे जिन्हां नूं माइनस करके मेरे को माइनस का वन आए, तो इन्ना पता चल गया। पहला सीधी जी गल यही देख लो कि डिफरेंस वन आएगा, चार ती बारह, चार ते तीन जो मैं प्लस माइनस करा तो मेरे को डिफरेंस कितना आएगा वन आएगा। हूँ बस ये देख लो कि मैं माइनस का साइन लेके आना, तो माइनस का साइन लेके आने के लिए जी वी वैल्यू है मैं वो अगे माइनस लगा दाँगी और जी छोटी वैल्यू है मैंने प्लस लगा दा। आ क्लीयर होगी गल। हूँ जो मैं इन्हों मतलब की करूँगी माइनस करूँगी तो मेरे को कि आ जाएगा माइनस का वन आ जाएगा। ओके, नैक्सट देखो हूँ अगला स्टैप मैं तुम्हें की करने को कहा, जोड़ा भी थोड़े को रूट्स आए हैं तुम्हें यदा साइन चेंज कर देना। मैंने साइन चेंज करता तो एक आह माइनस का बन गया प्लस और आ प्लस बन गया माइनस। उस तो बाद एक्स स्केयर नाल सिक्स मल्टीप्लाई हो रहा तो अपने दोनों साइड की करता सिक्स न मल्टीप्लाई करता, ये दोनों अपने आंसर आ गए। उस इन सॉल्व कर दो, ये आ गया दो दूनी चार, दो तीए छे यानी कि टू बाय थ्री आ गया, और ये वाला आ गया तीन एकम तीन, तीन दूनी छे यानी कि माइनस वन बाय टू आ गया। एक आह रूट आया तो एक अपना आह रूट आया। हूँ देखो तुहानू ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने, हुण ऑप्शनस किवें चूज़ करांगे। देखो वन बाय टू आया नहीं, वन बाय टू नहीं आया, माइनस वन बाय टू आया, हाँ जी माइनस वन बाय टू है, दैट मीन बी साडा की हो गया आंसर होएगा। हुण इत्थे टू बाय थ्री नहीं, आ साडे कोल प्लस टू बाय थ्री है तो आह माइनस टू बाय थ्री है, तो करके ये साडा आंसर नहीं, साडा आंसर की ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जिहड़ा आह वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन तुसी खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हंड्रेड आया है, हंड्रेड के इदा के रूट पता कर लियो, जिम्मे देखो वन ते हंड्रेड नू मल्टीप्लाई किया की आ गया हंड्रेड आ गया, हंड्रेड के इदा के रूट पता करो जिन्हों एड करके मेरे को आए ट्वेंटी आए, तो एक टेन है और दूसरा भी टेन है, टेन टेन का की होएगा मतलब मल्टीप्लाई करके हंड्रेड आ जाएगा और जोड़ के की आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा, लेकिन मैंने कितना चाहिए माइनस का ट्वेंटी चाहिए, दैट मीनस दोनों मतलब कि हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अगला स्टैप तुहानू मैं की दस्सिया, जिहड़ा भी तुहाडे रूट्स आए ने इन्हां दे की कर दो साइन चेंज कर दो, मतलब एक बन गया टेन दूसरा बन गया टेन। अगला स्टैप की दस्सिया, एक्स स्केयर नाल जिहड़ा भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा उन्हूं डिवाइड कर दो, तो इहनूं आपां सौ नाल डिवाइड करता, इहनूं भी सौ नाल डिवाइड करता, जीरोज़ नाल जीरो कट के दोनों रूट अपने की आ गए वन बाय टेन एंड वन बाय टेन, तो ये तुहाडा की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर तुहानू हजे भी इदां लग रहा कि पहला वाला तरीका सही सी तां मैनूं एक गल दसो, अगर बाय चांस तुहानू कोई इदां दा क्वेश्चन आ जाए तां तुसीं किवें डील करोगे। मान लो इन्होंने क्या होया कि आ चारे इक्वेशनां दे विच्चों किहड़ी इक्वेशन दा कोई रूट टू आ रहा, कि सारिआं नूं उसे तरीके नाल सॉल्व करन बैठोंगे, नहीं सारिआं नूं उसे तरीके नाल सॉल्व नहीं करन बैठांगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे। जिवें पहलों आपां पहलां दे चैक करने कि इहदे रूट किहड़े किहड़े ने, मैं देखिआ कि मल्टीप्लाई किन्ना आ रहा पंज आ रहा, पंज दे मैं फैक्टर देखने ने जिन्हों कुछ भी करके मेरे को चार आ जाए, तो पहला यही देख लो कि आएगा, सो पांच एकम पांच जो हूँ मैंने कितना चाहिए माइनस का चार चाहिए, दैट मीनस आह की आ जाएगा माइनस फाइव आ जाएगा, आह की आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि फाइव के जो वन जाएंगे तो माइनस का फोर आ जाएगा। उदू बाद मेरा नैक्सट स्टैप की सगा मैं ये की बदल लेने साइन, सो दैट मीनस आ प्लस फाइव आ माइनस वन, ये तो आया नहीं, दैट मीनस ए तो आंसर नहीं है। हूँ आ सैकेंड देख लो, हूँ सैकेंड उलझाता सैवन एक्स हमेशा अगे लिखते होंगे, तो पता ना पहला एक्स स्केयर फिर एक्स और फिर कॉन्सोनेंट टर्म्स। हूँ आप इधर साइड पर लिख दें टू एक्स स्केयर प्लस सिक्स माइनस सैवन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, मैं तो भी उ लिखा गया टू एक्स स्केयर माइनस सैवन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू कि आया जीरो आया। हूँ आ जी हैगी साढ़े कॉन्सटेंट टर्म है सिक्स और एक्स नाल की मल्टीप्लाई हो रहा है टू, सिक्स टू का कि होंगे ट्वेल्व, ट्वेल्व के फैक्टर पता करो जिदे कुछ भी करके प्लस माइनस निशानियाँ बाद चो देख लेंगे, पहला सीधा ही देख लिया करो कि अपने को सेंटर वाली वैल्यू कि आएगी,
तां हुण देखो जे मैं करां 4 3 12 तां इन्हां नूं जोड़ के 4 ते 3 किन्ने हुंदे 7 हुंदे। हुण मैं माइनस दा 7 लैके आउणा तां माइनस दे 7 लई मैनूं दोनों माइनस करने पैणगे। उदों बाद अगला स्टैप की है, मैंने इहदे रूट बदलने ने, मतलब साइन बदलने ने। तां माइनस 4 4 च बदल जाएगा, माइनस 3 3 च बदल जाएगा। नैक्सट स्टैप देख लो, एक्स स्केयर नाल कुछ हैगा? हाँ जी, 2 लग्या होया। तां जिहड़े नाल जिहड़ा कुछ भी एक्स स्केयर नाल लग्या होवे फाइनल नाल उहनूं डिवाइड कर दो, तां इह बण गया 2 1 2 2 2 4, मतलब 1 रूट 2 आ गया और आ साडे कोल 3 बाय 2 ही रह गया। सो दैट मीनस उहनां ने सानूं इही तां पुछिया सी वी किहड़ी इक्वेशन ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਗੇ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਬੱਚੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ ਫੋਰ ਦ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਨੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਜੇ ਫੋਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੀ। ਐਂਡ ਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਫੋਰ ਯੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਪੀਪਲ ਕਿਲ ਇਟ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਬਾਏ।